लगा लो शर्ट लगा अगर एक महीने में हमारे चैनल में हो गए 1K सब्सक्राइबर पूरे तो हम लोग जाने वाले जगन्नाथपुरी देख पा रहे। ये बहुत ही पुराना मंदिर है और प्राचीन है। यहाँ का एंट्री गेट चलो चलते अंदर। प्रोग्राम भी हो रहा है अंदर में और इसके बहुत सारे मंदिर है। देखो कुंड टाइप का बनाया है, प्राचीन मंदिर। हाँ सारे प्राचीन है पुराने। गाइस मस्त है यहाँ का माहौल। और एक बार और हम लोग आ चुके हैं, बस अब आज हम लोग को वीडियो बनाना था तो आज हम लोग वीडियो बनाने आए हैं यहाँ पे और आपको भी दिखाने वाले हैं। ये देखो गाइस। तो गाइस इतनी लंबी दूरी पार करके हम लोग पहुंच चुके हैं कमल क्षेत्र पद्मावती पुरी राजीव मंदिर में। तो देख सकते हैं यहाँ का प्राचीन मंदिर है, बहुत मेन मंदिर है। वो करीब 3:30 बजे खुलेगा और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है। पहले हम लोग आपको उसका वहाँ का टूर दिखा देते हैं। स्टार्ट करते हैं इस मंदिर से। आप मूर्ति देख पा रहे हैं, ये श्री राजन जगतपाल जी की है। सिर्फ से आपको पता चल जा रहा होगा कि ये कितना प्राचीन मंदिर है और ये प्राचीन दरवाजे हैं यहाँ के। बहुत ही अच्छे से कारीगर किया गया, इसको तराशा गया है। गाइस क्या डिटेलिंग की गई है इसका, कि भी कुछ होता होगा। ये रात के अंधेरे में बनाया जाता है इसको। और यहाँ पे है गणेश जी और कुछ ऐसा यहाँ का मंदिर। गाइस ये देखिए कितने बड़े बड़े सीढ़ी है यहाँ पे। शिव जी का मंदिर है। पुराने पिल्लर है, इस पिल्लर पे टिके अभी तक बताओ। छोटे छोटे गेट रहते हैं यहाँ पे। गाइस ये आ चुके हैं अपन दूसरे मंदिर में। कुछ सेल्फी लेना मना है, हम वीडियो बनाएंगे। गाइस ये देख के आपको पता चल जा रहा होगा कि ये कितना प्राचीन है और ये कितना पवित्र मंदिर है। गाइस यहाँ पे छोटे छोटे कुंड तो बहुत है, लेकिन ये जो आप मंदिर देख पा रहे हैं ये यहाँ का मेन मंदिर है, जिसका द्वार अभी बंद है क्योंकि ये 3:30 बजे खुलेगा ऐसा बोला गया है। एक बार आप इसे अच्छे से देख लीजिए। मेन मंदिर बंद है इसलिए हम लोग मंदिर को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये देखो मंदिर के हमें बहुत सारे द्वार दिखे यहाँ पे, इसमें से एक द्वार ये है जिससे बाहर आ गए थे अपन। अब एक बार आप मंदिर को अच्छे से देख लो। यहाँ पे शिव जी के बहुत सारे कुंड हैं। और ये जो बहुत बड़ा सा मंदिर देख पा रहे हैं आप, ये मेन है यहाँ का। अंदर कार्यक्रम चल रहा है, वहां पे चल के देखते एक बार। यहाँ पे है श्री जगन्नाथ मंदिर, तो चलिए अंदर चलते हैं। हम आ चुके हैं अंदर और
यहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है भगवान की श्रद्धा के, यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है भगवान की। गाइस मेन मंदिर के दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि हमको अभी निकलना है, हमने और भी आपको नदी का वीडियो दिखाना है, तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं मंदिर से, फिर सामने हमारी नदी है वहाँ पे आपको दिखाते हैं। मंदिर के बाहर आपको प्रसाद और बहुत अन्य चीजों के दुकानें मिल जाएंगे। अब हम लोग जा रहे हैं नदी तरफ, हम लोग अभी नीचे उतर रहे हैं यहाँ से, और सामने देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है नदी। ये जो नदी आप देख पा रहे हैं ये महानदी से जुड़ी हुई है, और यहाँ पे है लक्ष्मण झूला, अभी बना नहीं है, ये रेडी हो रहा है। और उस ब्रिज से हम लोग आए थे, वहां से आपको यहाँ का व्यू दिख रहा था। तो चलो अब थोड़ा नजदीक चलते हैं नदी के, रेती रेत है यहाँ पे गाइस, ऐसा लग रहा है क्या बोलते हैं सी में पहुंच गए समुद्र। सीप मिला बताओ यार, ये समुद्र जैसे लग रहा है, पता है नदी कम समुद्र ज्यादा। गाइस एक बार हमारा चैनल ग्रो हो जाए उसके बाद हम लोग जाएंगे नदी भी समुद्र भी पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जगन्नाथपुरी जाएंगे और वहां के दर्शन करेंगे और आएंगे गोल्डन बीच। वहां पे हम लोग एक बार जा चुके हैं और वहां पे गोल्डन बीच था जहां पे हमारा होटल रुके थे हम लोग, बहुत ही बढ़िया था वो भी। अभी ये पूरा बना नहीं है लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण झूला बनने में अभी टाइम लगेगा यार, नदी में पानी वानी नहीं है यार, बरसात का समय नहीं तो पूरा भरा रहता है कि हाँ वहाँ तक के पानी आ जाता है ना। तो देख सकते हैं दोस्तों आ गए हैं अपन नदी के बीच में, रुक दो तो यार इसके अंदर डर लग रहा है। मजा आया बहुत गाइस, चलो चलते हैं वापस बुलेट के पास और निकलते हैं यहाँ से फटाफट से क्योंकि हमको लेट भी हो रहा है। गाइस ये जगह बीच का मजा उठाने के लिए जरूर है, एकदम बढ़िया है, पानी थोड़ा और ज्यादा हो तो मजा ही आ जाए, क्योंकि पानी ज्यादा होने पे भी ज्यादा ये रेत ढकेगी नहीं, रेत में मजा आएगा। यार आएंगे कभी नहाने यहाँ पे, मछली देखा मेरे को डर लग गया था, मैं वापस भाग गया। फिर मछली से तेरे को इतना डर क्यों लगता है यार? पता नहीं यार वो चूम ले क्यों पैर काट लेगी। मछली तो पाला था एक्वेरियम में, तब तो डर नहीं लगा तेरे को? वो तो हमारे पास थी तब, मैं थोड़ी ना उसको साफ करता था। हाँ तो उसको वैसे भी उस टाइम भी उसको ध्यान ही नहीं रखता था, मेरा बस काम था खाना देना, पापा का काम था एक्वेरियम साफ करना। तो दोस्तों देखो मेरे को बुढ़ा हो गया बोलता है और कितना डरपोक बच्चा है। ऐसा नहीं है, इतना डरपोक बच्चा है, देखो छोटी छोटी मछलियों से डरता है। यार वो इतनी सी थी खतरनाक, यहाँ का पानी गंदा है, रुका हुआ है ना, उधर का पानी थोड़ा साफ था, पानी यहाँ पर स्टोरेज हो गया है ना, अभी बहाव में नहीं है, वो पानी बहाव में आएगा तब फिर होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर भक्तों का तादाद लगातार लगा ही रहता है, आने जाने वाले दर्शन करके आते जाते रहते हैं, यहाँ आप भी आओ और व्यू इंजॉय करो, दर्शन भी करो, बहुत ही अच्छा सीन है यहाँ पे, अच्छे नज़ारे। गाइस फोटो के नाम पे मैंने अपना शूज उतार के वहाँ चला गया, देखो ये शूज उतार के घूम रहा नंगे पैर, अब थोड़ा यहाँ पे मोटी है, नंगू पंगू बच्चा, नंगू पंगू कहाँ, नंगू पंगू बच्चा यहाँ कहीं ना, ये ही है नंगू पंगू बच्चा, नंगू दिख रहा है दोस्तों, ये बहुत छोटा था ना तो नंगू 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 हमेशा नंगू च रहूंगा बोलता है, ऐसा नहीं है इरिटेशन होता होगा, बस ये हमेशा नंगू पंगू, कपड़े तो अभी भी नहीं पहनता, इतना जोर जबरदस्ती से हमको कपड़े पहनाने पड़ते हैं। बोल रहे हो तो क्या मैं नंगा हूं क्या, हर जगह छिपी बोलोगे? नहीं कपड़े ऐसा पहनता है फटीचा टाइप के, मगर कपड़े अच्छे तो पहनता है, कंजस्टेड पसंद नहीं है, एकदम मस्त थोड़ा स्टाइल से छोटे छोटे ऐसे हाफ जींस में, कोई कैफी टाइप के बहुत पसंद है। जगन्नाथपुरी में भी कितना रेत गर्म था, हाँ यार यार रेत था ना वहाँ पे, और रात को जाते मानी रात को गर्म था शायद, क्या रात में नहीं दिन में भी गर्म था,
और आवाज तो गाइस क्या बताऊं मैं, आवाज सुन के रूह कांप जाएगी आपकी। रात में तो गाइस इतना जबरदस्त आवाज आता है कि वहाँ पर कोई ठहर ही नहीं सकता। लगा लो शर्ट, लगाते हैं क्या? अगर एक महीने में हमारे चैनल में हो गए 1K सब्सक्राइबर पूरे, तो हम लोग जाने वाले जगन्नाथपुरी। ओके बॉस, और लगा लो, और इस वीडियो में हमको चाहिए 1K लाइक। ओके, कर दोगे तो फटाफट से जाएंगे अपन जगन्नाथपुरी, अभी टिकट बना के रखेंगे। ओके डन। हाँ करो लाइक फटाफट से और सब्सक्राइबर भी बढ़ाते जाओ। ओके, वहाँ बकरी बैठ गई है। अरे हक मत देना, पैर सूख गए हो तो पहन ले सॉक्स। देखो 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 देखो, देखो गाइस दिन पूरी कर रहे हैं, तो फटाफट जूते पहनो, हमें निकलना भी है, काफी दूरी तय करनी है। फटाफट से पहन लो, टोटल आज 140-145 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी हमारी। 140-145 क्यों, 150 से प्लस हो जाएंगे। फिलहाल गाइस चलो निकलते हैं राजीम से और घर पहुंच के आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो एक बार कमेंट में लिख दो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इतने सारे प्राचीन स्थल है, मैं क्या बताऊं आपको। अभी तो हम लोग बहुत कम घूमे, हमें और भी घूमने और छत्तीसगढ़ का पूरा प्राचीन स्थल दिखाना है आपको। हमने आपको बोला है कि अगर हमारे इस वीडियो पे 1K चैनल पे 1K सब्सक्राइबर और 1K लाइक इस वीडियो पे आ गया, तो गाइस हम लोग जाएंगे जगन्नाथपुरी। तो आपको जानना है ना, आपको देखना है ना वहाँ का वीडियो, तो कर दो यार फटाफट से। पिकनिक मनाने के लिए भी बहुत अच्छा है, आप पिकनिक के लिए भी आ सकते हैं और दर्शन के लिए भी। मंदिर भी बहुत बढ़िया था यहाँ का बड़ा सा। गाइस आते समय हम लोग दूसरे रास्ते से आए, लेकिन जाते समय हम लोग रायपुर से होते हुए जाएंगे, तो ये वाला रूट हमने पकड़ लिया, ये रायपुर जाएगा, फिर रायपुर से हम लोग पूरा दूर पहुँच जाएंगे, तो वही रहेगा डिस्टेंस, उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रायपुर यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। गाइस ये देखो हमको एरोप्लेन दिखा, क्योंकि यहाँ रायपुर में एयरपोर्ट है ना। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सदर बाजार रायपुर, बाजार में घूमे जा रहे हैं। बताओ हमको कुछ खाने का ढूंढ रहे हैं हम लोग, पर मिल नहीं रहा है यार इतने जैसा। एक बार आप फ्री टाइम निकाल के अगर खरीदारी करना है ना, तो रायपुर आ जाना, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, बहुत सारे वैरायटी दिखेंगे आपको। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं नेहरू चौक और बस थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे दुर्ग। गाइस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, हम लोग पहुंच चुके हैं दुर्ग और कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे घर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, हमारा जो टारगेट है इस व्लॉग में लाइक एंड सब्सक्राइब का, उसको भी पूरा कर देना, फिर हम लोग जाएंगे जगन्नाथपुरी। तो गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, अभी के लिए वीडियो को लाइक करो।